आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कैक्टस की बात करेंगे, फाइकस कैक्टस और इंडियन फिग कैक्टस भी कहते हैं। मित्रों, रेड कलर के बडिंग स्टेज में आप फ्लावर्स देख रहे होंगे जो कि अंजीर जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको फिग कैक्टस भी कहते हैं। साइंटिफिकली इसको ओपुंसिया फाइकस इंडिका के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। रेड कलर के दिखने वाले जो बर्ड्स हैं ये अंजीर जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। और इनसे निकलने वाले जो फ्लावर होता है वो येलोइश कलर का होता है। कितना सुंदर इसका फ्लावर है, और इसका प्रोपेगेशन सहजता से राइजोम के माध्यम से हो जाता है। जो आप इसकी स्कूलेंट लीव्स देख रहे हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर और पेक्टिन के कंटेंट्स पाए जाते हैं। रिच कंटेंट ऑफ फाइबर्स होता है। इनडायरेक्टली इसका उपयोग डायबिटीज़ के कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। मित्रों, हाई फाइबर कंटेंट होने के कारण ये ब्लड ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए और कोलेस्ट्रॉल के ब्लड में कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये एक्टिविटी इनडायरेक्ट एक्टिविटी होती है, डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल ये नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट इसका कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए किया जाता है। साथियों, इसके जूस का आप प्रयोग रक्त पित्त के समन के लिए कर सकते हैं। इसके निकलने वाले पत्र से जो जूस होता है उसमें अगर आप आंवला का रस मिलाते हैं तो रक्त पित्त की समस्या को दूर करते हुए लीवर को स्ट्रेंथन करने का ये कार्य करता है। बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, GSH लेवल को बढ़ाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करता है। मित्रों, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की जो जेनेसिस है, जो शुरुआत है, वो लीवर डिसफंक्शन से स्टार्ट होती है। और जब धीरे धीरे हमारा लीवर टॉक्सिन से फुल हो जाता है, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। और ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ने से उसका जो प्रभाव है हमारे नर्वस सिस्टम पे पड़ता है और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स का शुरुआत हो जाता है। इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में, जिस ऑर्डर से उनकी फॉर्मेशन हो गई होती है, रिवर्स ऑर्डर में वो धीरे धीरे दूर होते हैं। पहले लीवर डिटॉक्स होता है और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स धीरे धीरे फिर कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इन्फ्लामेशन है तो आप इसके पत्र से निकलने वाले गम को निकाल लीजिए और उसमें गाय का देसी घी मिलाकर धीरे धीरे पकाइए। बराबर मात्रा में लेना चाहिए दोनों को, इससे निकलने वाले गम और गाय के घी को मिलाकर धीमे धीमे आंच पे पकाइए। और 10 से 15 मिनट पकने के बाद उसको आप रख लीजिए, कांच के कंटेनर में भर के रख लीजिए। और आप उसको इन्फ्लामेशन या सूजन जहाँ हो गई हो, घुटने का पेन कहीं हो रहा हो, तो वहाँ पे धीरे धीरे हाथ से मसाज कीजिए। तो आप देखेंगे आर्थराइटिस का पेन हो, चाहे किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन की समस्या हो, कमर दर्द की समस्या हो जिसको लुम्बैगो कहते हैं, या रिब्स के इसमें होने वाले जो दर्द है उसको भी ये दूर करता है। मित्रों, अच्छे सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ जो प्लांट होता है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, और प्रकृति ने भी इसके संरक्षण के लिए इसके ऊपर कांटे दिए हैं ताकि ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सके। डेजर्ट एरिया का ये प्लांट है, इसके लिए कोई ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता या सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एरिड प्लांट है, आराम से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और अच्छी औषधीय गुणों के लिए अगर गमले में लगा हुआ होता है तो घर की सुंदरता भी बढ़ाता है, और औषधीय गुणों के उपयोग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर रिच कंटेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी एजिंग का भी कार्य करते हैं, और इसके पल्प का आप स्किन के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं, स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए, फेस के ग्लो को बढ़ाने के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों, इसके फ्लावर्स के अंदर ल्यूटियोलिन और कुर्सेटिन भी पाया जाता है, जो एंटी एजिंग, एंटी रिंकल एक्टिविटीज़ इसकी होती है। इसके फ्लावर्स का आप इन्फ्यूज़न बना सकते हैं और माउथ की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी इससे आप गार्गल्स कर सकते हैं, और इसके फ्लावर्स का पेस्ट बनाकर आप स्किन के प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। स्किन की सुंदरता, आपकी त्वचा की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं। इसकी पल्प का जो उपयोग आप हैंगओवर को उतारने के लिए भी कर सकते हैं,
कई बार आपने अगर नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया है तो उससे होने वाले चक्कर का आना या फिर बार बार माउथ का ड्राई हो जाना, मुख का ड्राई होना, ऐसी समस्याओं को दूर करने का ये कार्य करता है। हमारे शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन के रखने के लिए इसका जूस बनाकर सेवन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है, वाटर रिटेंशन को मेंटेन करता है, मिनरल्स कंटेंट को बैलेंस करने का कार्य करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके राइजोम का उपयोग आप वुंड हीलिंग के लिए कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के स्किन के डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए इसके राइजोम का पेस्ट बनाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों, ये वंडरफुल ऑर्नामेंटल प्लांट है और ब्यूटिफिकेशन के लिए आप इसको घरों में लगा सकते हैं। शेड कंडीशंस हों, चाहे आप 15 दिनों में भी इसको अगर पानी देते हैं तो भी ये सर्वाइव करता है। लेस केयर की इसको आवश्यकता पड़ती है। इंडोर प्लांट है, घरों के अंदर आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। सुंदरता बढ़ाने का ये कार्य करता है। न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू तो इस प्लांट की है ही, आपकी हेल्थ को भी मेंटेन करेगा और आपके घर की सुंदरता को भी बढ़ाने में विशेष सहायक होता है। आप इस जानकारी को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। इन्हीं बातों के साथ कल मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ, नए समाधान के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।